नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17, 18 और 19 फरवरी के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले 17 फरवरी की बात करें तो दोस्तों इस दिन गुरुवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, मघा नाम का नक्षत्र और साथ ही दोस्तों इस दिन अतिगंड नाम का शुभ योग और शुक्रमा नाम का शुभ योग रहेगा। दोस्तों, दिन राहु कल के समय दोपहर के 2:05 से लेकर शाम के 3:30 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। वह दोस्तों चंद्रमा दिन सिंह राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो शुक्रवार का दिन रहेगा। द्वितीय तिथि पूर्व फाल्गुनी नाम का नक्षत्र और साथ ही धृति नामक शुभ योग रहने वाले हैं। राहु कल के समय दिन सुबह के 11:15 से लेकर दोपहर के 12:40 रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा दिन सिंह के उपरांत कन्या राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन 19 फरवरी की बात करें तो दोस्तों दिन शनिवार का दिन होगा। तृतीय तिथि उत्तर फाल्गुनी नाम का नक्षत्र और साथ ही दोस्तों दिन शुल नाम का शुभ योग रहेगा। राहु कल के समय दिन सुबह के 9:50 से लेकर सुबह के 11:15 रहेगा और चंद्रमा दिन कन्या राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं 3 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में घर में कोई उत्सव होने की संभावना पाई जाती है, जिससे सभी उत्साहित होकर अपने काम काज को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में आप जो है साहसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, किसी भी कार्य को सफल बनाने की क्षमता आपके अंदर इन दिनों में होगी। यदि आप अपने घर परिवार को बेहतर दिशा में रखने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका प्रयास होंगे इन दिनों में सफल हो सकता है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी सावधानी यानी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, दिन जो है उतार चढ़ाव भरा भी रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी। इसलिए दोस्तों यश में आप जो है अपनी वाणी पर संयम रखकर वाद विवाद से बचने का कोशिश करें। कारोबार में मंदी देखने को भी मिलेगा, फिर भी दोस्तों कोई ऐसी योजना बनाएंगे जिससे भविष्य में अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रहेगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, कुछ कामों में परिणाम का इंतजार करने का समय रहेगा। आप अपने स्तर पर पर्याप्त प्रयास कर चुके हैं, अब जो है आपको शांति के साथ उन कोशिशों के परिणाम को देखने का समय होगा। संभव है अपेक्षित समय से थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन परिस्थितियां आपके पक्ष में ही रहेंगी। काम अपने समय के अनुसार अपने आप बनेंगे, अपना फोकस जो है आप यश में बनाए रखें। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे, व्यर्थ की चिंताओं से आपको बचने का समय होगा। कुछ नया सीखने को भी आपको इन दिनों में मिल सकता है। वहीं दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, अगर आपकी करियर के लिए अगर बात करें तो इन दिनों में आप जो है अपने काम पर पूरे धैर्य के साथ कार्य करें। कुछ लोगों से जो है आर्थिक लाभ होने के जो है योग बन रहे हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन दोस्तों कड़ी मेहनत की वजह से आप जो है अपने कार्यों में इन दिनों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अधिक लालच करने से आप इन दिनों बचें, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये जो समय होंगे सामान्य रहने के आसार हैं। हाल ही में रोमांटिक लाइफ शुरू करने वाले जातकों के लिए ये जो समय है उत्साहित करने वाला समय होगा। दोस्तों, इन दिनों में रिश्तों के लिहाज से दिन तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वही दोस्तों, आपकी हेल्थ को लेकर बात करें ये समय की तो दोस्तों यह समय आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे स्वयं अथवा किसी अपने के इलाज पर जो है आपको धन व्यय करना भी पड़ सकता है। दोस्तों, यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।
वही दोस्तों इन दिनों में आपकी भावनाओं का विस्फोट आपकी वाणी द्वारा व्यक्त होगा। व्यापार में नए सौदे करने के लिए आप जो है विचार करेंगे और बारंबार विचार करने के बाद उनका जो है आयोजन करेंगे। कुछ नए संशोधन करने की जो है आपकी इच्छा या समय सफल होंगी, ऐसा गणेश जी कहते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आप अपना रिसर्च और डेवलपमेंट के मूड में हो सकते हैं। आपका दिमाग जो है इतना सक्रिय होगा कि आप किसी और चीज़ के बारे में यश में नहीं सोच पाएंगे। दोस्तों ऐसे में गणेश जी आपको अपने दिमाग में आने वाली हर विचार को नोट करने का सुझाव देते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके लिए जो पारिवारिक जीवन है यश में तनावपूर्ण हालातों से गुजर सकती है। गणेश जी के अनुसार ये जो आपके लिए समय होंगे अपनी लव लाइफ पर पूरा आवश्यक ध्यान देने की जरूरत होगी, जो कि आप यश में नहीं दे पाएंगे, जिससे आपका साथी आपसे परेशान हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आप जो है इस संबंध में सतर्क रहें, क्योंकि ये आपकी जो है पारिवारिक जीवन को प्रभावित भी करेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे अपने फाइनेंस को लेकर आप थोड़ी जो है दुखी महसूस करेंगे, क्योंकि आपका तर्क जो है आपको बताएगा कि आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हालातों में गणेश जी आपको सकारात्मक रहने की जो है सलाह देते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, गणेश जी का मानना है कि आप जो है कम भावनात्मक और अधिक व्यवहारिक होंगे। हालांकि आपका जो मूल स्वभाव यह नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप जो है अपनी भावनाओं के बहाव में नहीं बहेंगे। आपका जो मूड है स्विंग नियंत्रण में होगा, जो एक अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों इन दिनों में लंबे समय से चली आ रही अपनी बीमारी का इलाज अपनी मुस्कान से करें, क्योंकि यह सभी परेशानियों की सबसे कारगर दवा है। दोस्तों इन दिनों में आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा होगी। कोई ऐसा जिसके साथ आप रहते हैं आपके जो है लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से जो है चिढ़ सकता है। आपके जहन में जो है काम का दबाव होने के बावजूद आप जो है अपना पीर के लिए खुशी के पल ले आएंगे। दोस्तों इन दिनों में किए गए निवेश जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित भी होगा, बशर्ते आप यश में जो है अपना मेहनत को जारी रखें। लेकिन दोस्तों आपको भागीदारों के विरोध का सामना भी इन दिनों में करना पड़ सकता है। किसी वजह से आपके ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है, इसका आप फायदा यश में उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने भी यश में जा सकते हैं। रोमानी गाने, महकती मोमबत्तियाँ, लजीज खाना और पानी इन दिनों में आपके और आपके जीवनसाथी के लिए ही बना है। वहीं दोस्तों इन दिनों में पारिवारिक जीवन की सुख शांति हेतु आप जो है मंदिर एवं धार्मिक स्थलों पर शुद्ध घी व फिर कपूर का दान करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों जहाँ तक संभव हो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को घर का कोई भी सदस्य न तो नाखून बाल काटे और ना ही शेव बनाए। या दोस्तों इसके अतिरिक्त बृहस्पतिवार और शनिवार को घर में कपड़े भी ना धोएं, नहाते हुए सर को गीला ना करें और दोस्तों बालों में तेल भी कतई ना लगाएं। या दोस्तों आप इन उपायों को यश में जरूर करें। आपको बता दें कि इनसे आपके घर परिवार में सुख शांति रहेगी, वृद्धि बढ़ेगी और माँ लक्ष्मी का वास होगा। जी हाँ दोस्तों यश में आप इन उपायों को जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं।